नमस्ते योगीज, कैसे हैं आप सभी। आज का वीडियो है पॉस्चर करेक्शन के बारे में, यानी कि किस तरीके से हमें खड़ा होना चाहिए, बैठना चाहिए, जिसके लिए हमें चार चीज़ें समझनी हैं। पहले भाग में हम ये जानेंगे कि सही पॉस्चर और गलत पॉस्चर में क्या डिफरेंस है। दूसरे भाग में हम ये जानेंगे कि गलत पॉस्चर होने से आपको कौन कौन सी समस्याएँ शुरू हो जाती हैं। तीसरे भाग में हम जानेंगे कि अगर आपका गलत पॉस्चर है तो उसको डिटेक्ट करने के क्या टेक्निक्स हैं। चौथे भाग में हम करेंगे कुछ इफ़ेक्टिव एक्सरसाइजेज जो आप घर पे कर सकते हैं, जिनसे आपका पॉस्चर बहुत ज़्यादा बेटर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले भाग की तरफ। देखिए, जो आपका गलत पॉस्चर होता है उसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि जिस तरीके से अभी आप मेरे कंधे खड़े और एकदम स्ट्रेट देख रहे हैं, वो झुके हुए होते हैं। स्क्रीन पर आपको एक पिक्चर नज़र आएगी जिसमें एक तरफ है गलत पॉस्चर और दूसरी तरफ है सही पॉस्चर। अब जो सही पॉस्चर है उसमें आप अगर देखेंगे तो मेरा कान और मेरा जो कंधा है वो एक सीधी लाइन में है, और गलत पॉस्चर में एक कर्व बन रहा है क्योंकि आपकी गर्दन आगे झुकने लगती है, कंधे भी आपके स्लाउच करने लगते हैं। स्लाउच से मेरा मतलब है अंदर की तरफ फोल्ड करने लगते हैं, जिससे आपकी जो चेस्ट की मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, वो बहुत टाइट हो जाती हैं, और जो आपकी पीठ है उसकी मसल्स बहुत ढीली हो जाती है, जिसके कारण आप कंधे झुका के चलने लगते हैं। आपकी स्पाइन आगे की तरफ कर्व बना लेती है, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ कि अगर आपको पॉस्चर की समस्या है या आप गलत पॉस्चर में बैठते हैं तो कौन सी दिक्कतें आपको आना शुरू होती हैं। देखिए दोस्तों, बहुत सी ऐसी दिक्कतें होती हैं शरीर से जुड़ी हुई, हमें रियलाइज़ नहीं होता कि वो सिंपली ठीक हो सकती हैं अगर हम अपना पॉस्चर ठीक कर लें। जब पॉस्चर ख़राब होता है तो आपको हेडेक भी होने लगता है, क्योंकि आपकी गर्दन की ये वाली जो मसल्स हैं वो इतनी स्टिफ हो जाती हैं, वो पीछे हिस्से तक चले जाती हैं। इसके साथ पीठ में दर्द होना, स्पाइन से रिलेटेड इश्यूज होना, जिसमें डिस्क हर्निएशन का प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन है, इसके साथ हंच बैक, जिसको काइफोसिस भी बोलते हैं, वो शुरू हो जाता है, जिसमें स्पाइन आपकी पूरी कर्व करने लगती है। जब आपका पॉस्चर इस तरीके से ख़राब रहता है लंबे समय तक, तो आप अपनी हाइट से थोड़े कम लगते हैं, क्योंकि आप जब कंधे झुका के चलते हैं तो आपकी जो हाइट है वो पूरी निखर के नहीं आती है, तो ये सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। जो मुख्य कारण है इनके दोस्तों, वो आप जानते हैं, हमारी डेली लाइफस्टाइल। जब हम ड्राइव करते हैं, जब हम अपने स्क्रीन को देखते रहते हैं, फ़ोन्स को देखते रहते हैं, तो अगर आप मुझे देखेंगे तो जब मैं फ़ोन देखती हूँ तो मेरी ये गर्दन ऑटोमेटिकली नीचे जाती है, और जब मैं काम भी कर रही होती हूँ तो भी मेरा ये नीचे है। ड्राइव करते वक्त भी हम कई बार इस तरीके से स्लाउच करते हैं। तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे अगर आप घंटों तक इसी पॉस्चर में अपने काम करते हैं तो मसल्स को आदत हो जाती है, ब्रेन पूरा उसी तरीके से ट्रेन होता है, और आपका पॉस्चर इसी तरीके से बन जाता है, और आपको रियलाइज़ नहीं होता कि जो समस्याएं आपकी रोज़ाना आपको हो रही हैं वो आपके पॉस्चर से रिलेटेड हैं। अब अगर आपका गलत पॉस्चर है तो क्या टेक्निक है जिससे जान सकते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारा पॉस्चर ख़राब है या सही है। तो एक टेक्निक मैं आपको बता देती हूँ जिससे आपको ये आसानी से पता चल जाएगा। पॉस्चर ठीक है या नहीं है, इसकी टेक्निक के लिए आप क्या करें, शीशे के सामने आपको खड़े होना है। जैसे नेचुरली आप खड़े होते हैं वैसे ही आपको खड़े होकर के ये टेक्निक करनी है, तो चीटिंग नहीं करेंगे। अब देखिए, मैं इस तरीके से नॉर्मली खड़ी होती हूँ, और इसको मैं सही पॉस्चर ही कहूँगी क्योंकि मेरे कंधे खुले हुए हैं और मेरी गर्दन पीछे है। अब जैसे ही आप नेचुरली खड़े हुए हैं, ये देखिए मेरा हाथ नीचे गया तो वो थाई के पास में है। इसके बाद आपको क्या करना है, अपनी मुट्ठी लगानी है और अंगूठे को पूरा बाहर की तरफ खोलना है। अब आप नोटिस करेंगे कि मेरी जो अंगूठा है उसकी दिशा आपके सामने की तरफ आप देख रहे होंगे, तो जो शीशा होगा उसकी तरफ बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, ये देखिए। अब अगर मेरा पॉस्चर ख़राब हो, ठीक है, तो वो कैसे होगा, मेरे कंधे झुके हुए होंगे, ठीक है, ये देखिए, और मेरी गर्दन भी आगे निकली होगी। अब आप देख रहे हैं कि जो मेरा हाथ है वो थाईज के पैरेलल ना होके थाई के सामने है, तो जब आप अंगूठा लगाएंगे, खोलेंगे जैसे मैंने पहले खोला था, तो अब आप देखेंगे कि आपका अंगूठा शीशे के सामने नहीं है, कैमरे के सामने नहीं है, बल्कि एक दूसरे को फेस कर रहा है। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपका पॉस्चर ठीक है या नहीं है। अब आप इसे जानबूझ के अगर थाई के बगल में लेके जाएंगे तो ये चीटिंग होगी, तो आप जैसे खड़े होते हैं नेचुरली खड़े हों, अपने हाथों को लूज करें और इसके बाद अपने अंगूठे को लगाएं, और आपको पता चल जाएगा कि आपका पॉस्चर कितना ख़राब है। जितने आप झुके होंगे उतना ही आपका
जो हाथ है वो सामने होगा, जितने आपके कंधे खुले हुए होंगे उतना ही आपका जो अंगूठा है उसका फेस सामने की तरफ रहेगा। ये एक छोटा सा टेस्ट है जो आपको करके पता चल जाएगा कि कैसा आपका पॉस्चर है। एक जो छोटा सा मैंने आपको जब पिक्चर दिखाई थी तो पता ही था कि जो आपके कान होते हैं और कंधे होते हैं वो एक लाइन में होने चाहिए, आगे की तरफ नहीं झुके होने चाहिए। तो ये टेक्निक है। अब बढ़ते हैं चौथे भाग में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कुछ एक्सरसाइजेज, सिर्फ तीन बताऊंगी जो आपको रोज़ाना करनी है। इससे देखिएगा आपको 21 दिनों के अंदर आपके पॉस्चर में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। तो चलिए वो एक्सरसाइजेज कौन सी है मैं आपको बता देती हूँ। योगीज, आज हम करेंगे चार एक्सरसाइजेस। एक एक्सरसाइज है चेन के लिए, बाकी तीन है कंधों के लिए। तो कंधों से शुरू करेंगे। बहुत ही आसान एक्सरसाइजेस हैं, बस एक दीवाल चाहिए, वो हम सबके घर में होती है। आप देख रहे होंगे मैं दीवाल के सामने खड़ी हुई हूँ, लेकिन दीवाल से चिपक के नहीं खड़ा होना है, थोड़ा डिस्टेंस चाहिए आपको। दीवाल के और अपने बीच में 6 इंच का गैप लेना है। तो एक ये छोटा स्केल जो आता है ये 6 इंच की लंबाई का ही होता है, तो आप इसको देख लें, इतनी आपको जो है दूरी लेनी है। ध्यान ये रखें कि एड़ी और दीवाल के बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम रहे, यानी कि दोनों जो एड़ियां हैं वो एक लाइन में होनी चाहिए। तो मैं उसी तरीके से खड़ी हुई हूँ, पैरों पर जो वजन है वो अच्छे से आपको अपना जमा के खड़े होना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहली एक्सरसाइज जिसमें आप सांस भरेंगे, ये देखिए हथेली सामने रखेंगे, ठीक है। तो ऐसे सीधे नहीं रखना है, इसको वी बनाना है। तो इस तरीके से मैं एक वाई के शेप में हूँ। अब ट्रिक यहाँ पे क्या है कि जो आपके नकल्स हैं यानी कि जो जॉइंट्स हैं उंगलियों के, उससे आपको अपनी दीवार को टच करना है, जिससे आपका चेस्ट ओपन होगा। यहाँ पे आँख बंद करके थोड़ा सा ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे, कम से कम 10 सेकंड के लिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एक सांस भरें और एक्सहेल करते हुए हाथ नीचे। अपनी सांसों को रोकना नहीं है, सांस लेते रहेंगे, 10 का काउंट करेंगे, वापस आ जाएंगे। अब करते हैं दूसरी एक्सरसाइज, जिसके लिए आपको अपने हाथों को इस तरीके से खोलना है और इसके बाद W का शेप लेकर के फिर अपनी उंगलियों से पीछे जाके आपको दीवार को टच करना है। तो अगर आप ये दीवार नहीं टच कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपके शोल्डर्स टाइट है, फ्रोजन है। यहाँ पर भी आप 10 सेकंड रुकेंगे। शुरू में अगर आप टच नहीं कर पाते हैं तो जो भी आपका मैक्सिमम पॉइंट है वहां पे आप रुकेंगे। स्क्रीन पे आपको काउंटर दिख जाएगा। 10 सेकंड होते ही लंबा सांस भरें, एक्सहेल, हाथ वापस। तो ये हुई हमारी दूसरी एक्सरसाइज। देखने में ये आसान लगेंगी, इसको आप अभी प्रैक्टिस कीजिए और आपको पता चलेगा कि कितना हमारे शोल्डर में जो टाइटनेस भरी होती है, जो तनाव होता है, वो धीरे धीरे इनसे निकलने लगता है। तीसरी एक्सरसाइज और चैलेंजिंग है, जिसके लिए हमें क्या करना है, ये देखिए इस तरीके से अपने हाथों को खोल लेंगे। ये देखिए 90 डिग्री पे अगर आप देखेंगे तो L फॉर्म बन रहा होगा मेरे आर्म से। इसके बाद जब हम ये कर रहे थे और पीछे जा रहे थे तो वो भी काफ़ी हमारे चेस्ट को खोल रहा था, लेकिन ये अब हमारे चेस्ट को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड करेगा, काफ़ी फैलाएगा। तो देखिए सांस भरें और छोड़ें और धीरे धीरे अपने नकल से दीवार को टच करने की कोशिश करें। पूरा चेस्ट आपका खुल जाएगा, आंखें बंद करें और 10 सेकंड के लिए यहाँ पे होल्ड कर लें। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सांस भरें, एक्सहेल वापस। जो दूरी है वो आपको 6 इंच ही रखनी है, क्योंकि उसके बाद ही आपको वो स्ट्रेच महसूस होगा। तो ये तीन कंधे की एक्सरसाइज आपको करनी है। मैंने 10-10 सेकंड होल्ड किया है तीनों को, आप इसको 3 बार रिपीट करें, यानी कि एक बार कर लिया, 2 बार और करेंगे। अब मैं बताती हूँ आपको चिन के लिए, जब हमारा कंधे नीचे स्लाउच करते हैं या मुड़ जाते हैं तो हमारी स्पाइन के साथ ये जो एरिया है सर्वाइकल वाला, ये काफ़ी ज़्यादा झुकता है फोन्स देखते वक्त, स्क्रीन देखते वक्त। तो इसके लिए हमें इसको कैसे फिक्स करना चाहिए, तो जैसे आप इस तरीके से खड़े हुए हैं, अगर आपकी गर्दन ऐसे रहती है तो आप कोशिश करें थोड़ा सा सामने देखने की। इसके बाद अपनी उंगली लें और इससे आप अंदर को इसको टक करें, थोड़ा रुकें और एक्सहेल, सांस लेंगे, इनहेल, पांच बार आप इसको रिपीट कर रहे हैं।
फिर उसके बाद 5 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे। होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5। हमारी गर्दन, हमारी स्पाइन और ये पूरा कंधा आप अगर देखेंगे तो आपका जो कान है और कंधा है वो एक लाइन में रहना चाहिए जब आपका पोस्चर ठीक हो। अगर आप स्लाउच करते हैं तो ये चीज़ यहाँ पे आके आपकी मुड़ जाती है और इसको कहते हैं हंच बैक, काइफोसिस। तो देखेंगे आप ये जो ऊपर वाला है इसमें कर्व इतना बन जाता है। तो इससे दो चीज़ें प्रॉब्लम जो मेनली आती हैं वो ये आती हैं कि एक तो आपका पोस्चर देखने में ही ख़राब लगता है और दूसरा काफ़ी पेनफुल होता है क्योंकि आपकी गर्दन झुकी हुई होती है। तो इसको हमें खोलना है। तो जो हमने कंधे की एक्सरसाइजेस की हैं इससे हमारा ये टाइटनेस कम होगी और ये वाली जो मसल बहुत ज़्यादा लूजन अप हो गई है वो थोड़ी थोड़ी टोन होकर के पीछे खुलना शुरू हो जाएंगी। तो ये आपको 21 दिन के लिए करनी है, हफ्ते में 4 दिन मिनिमम आपको करनी है। इसको आप खाली पेट, भरे पेट कैसे भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपका एब्डोमेन का यूज़ नहीं हो रहा है, तो इसको खाने के बाद भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो सोने से पहले 10 मिनट निकालें और ये एक्सरसाइजेज रोज़ाना कर लें और देखिएगा आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। साथ में आपको अगर बहुत ज़्यादा पोस्चर की प्रॉब्लम होती है और जैसे ही आप कुर्सी पर बैठते हैं अगर आप इस तरीके से अपना हाथ बार बार रखते हैं पूरे दिन में और आपको यहाँ पर एक टाइट फीलिंग आती है, बहुत पेन महसूस होता है, तो आपको मैं एक चीज़ बता रही हूँ करने के लिए। ये घर में ही हम कर सकते हैं, इससे आपका पोस्चर तो अच्छा होगा ही होगा, जितने भी लोगों को सर्वाइकल और फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम है उनको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। तो वो कैसे करते हैं वो मैं आपको फटाफट दिखा देती हूँ। इसको आप अपने काम करते वक्त, टीवी देखते वक्त, कुकिंग करते वक्त, कोई भी काम इससे आपका अवरुद्ध नहीं होगा, आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो मैं आपको फटाफट दिखा देती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए एक बेल्ट। बेल्ट से मेरा मतलब है कोई भी ऐसी लंबी चीज़ जैसे कॉटन का कपड़ा हो सकता है, दुपट्टे जो होते हैं कॉटन वाले वो परफेक्ट हैं इसके लिए, थोड़ी लंबाई चाहिए होती है इसलिए दुपट्टा सही रहेगा। तो क्या करेंगे इस बेल्ट को, आपको सबसे पहले इसको अपनी पीठ के पीछे इस तरीके से लेना है। आप वीडियो में पहले अच्छे से देख लीजिएगा, बिल्कुल इसी तरीके से इसको आपको करना है। आपके जो कोने हैं बेल्ट के वो बराबर होने चाहिए। जब आप यहाँ पर आ जाएँ इसके बाद आपको क्या करना है, इसको पीछे लेके जाना है और ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे क्रॉस नहीं करेंगे। इसको पीछे यहाँ से लेके गए, ये देखिए, और पीछे क्रॉस करना है। ये भी आपको स्क्रीन में अच्छे से दिखाई दे जाएगा, ये मैं पीछे लेके आई हूँ। तो ये पीछे जब बेल्ट आ जाएगी इसको आपको क्रॉस करना है। क्रॉस करने के बाद ऑपोजिट साइड में इसके जो एंड्स हैं इसको आपको आगे लेके आना है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम अपनी बेल्ट को थोड़ा सा टाइट करते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ से इसको खींचा ये इस तरीके से, इतना जितना कंफर्टेबल आप हो जाएं। प्लस साइड में अगर आप देखेंगे, अगर आप बेल्ट ऐसे रखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसको टाइट टाइट करना है जिससे आपके कंधे निकल के सामने आए। आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कंधा एकदम सीधा हो गया। जब ये पता चल जाए कि आपका ये कंधा एकदम सीधा है उसके बाद अगर दुपट्टा है तो यहाँ पर आपको गांठ लगानी है और इस तरीके की बेल्ट है तो इसमें आप इसको फंसा लेंगे। तो ये बेल्ट हमारी ऐसे लग जाएगी, बिल्कुल इजी है। अब देखिएगा आपको इतना कंफर्टेबल महसूस होगा, यहाँ पे जो टाइटनेस है वो ख़त्म होगी, चेयर पे बैठ के आप काम कर सकते हैं। तो अगर आप लैपटॉप पे भी काम कर रहे हैं ध्यान रखें कि लैपटॉप पे काम करते वक्त आपका जो स्क्रीन है वो आंखों की लेवल पे होना चाहिए। मेन जो प्रॉब्लम आती है कंधों की हमारे लैपटॉप पे काम करने से होती है। तो आप इसको सामने इस तरीके से काम करेंगे या फिर आप अगर फ़ोन में भी देखते हैं तो आपके कंधे ऑटोमेटिकली काफ़ी स्ट्रेच्ड आउट हैं। ये आप दिन में कम से कम मिनिमम शुरू में 1.5 से 2 घंटे दिन में भी पहन लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। अगर आपको सर्वाइकल का बहुत सीवियर प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से, फिजियोथेरेपिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो आपको ये बेल्ट या ब्रेस जो है ज़्यादा लंबे समय तक पहननी पड़ सकती है। ऐसी जो बेल्ट्स आती हैं इनको ब्रेसेस कहा जाता है, ये आपको अमेज़ोन पे या ऑनलाइन कहीं भी मिल जाती हैं, बट मेरे लिए ये ट्रिक आराम से काम करती है, बेल्ट या दुपट्टा कोई भी। तो आप ट्राई करें, अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप वो ब्रेस भी खरीद सकते हैं। तो योगीज ये थी मेरी एक कोशिश आपके पोस्चर को ठीक करने की। मुझे फीडबैक में ज़रूर ये बताइए कि आपका पोस्चर ठीक था या नहीं था, और अगर नहीं था तो क्या मेरी ये एक्सरसाइजेज और मेरा ये इनिशिएटिव आपकी हेल्प कर पाया या नहीं। फिर किसी और टॉपिक के साथ आपको दोबारा मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्ते।